Hey guys, it's your boy Vivek Seni and welcome to my YouTube channel Vivu's Auto Vlogs. I just hope you guys are rocking in your life just like I am doing right now. So, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो दिए हुए सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज दबा दीजिए क्योंकि मैं आने वाले टाइम में भी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूंगा. तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो प्लीज देखिए. तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ. तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज दैट बजिंग साउंड दैट कम्स आउट ऑफ योर इंजन व्हेन यू टर्न ऑन द इग्निशन. तो पहला तो टॉपिक यही होगा कि हम जब इग्निशन को टर्न ऑन करते हैं तो वो बजिंग साउंड क्या होती है जो हमारा इंजन प्रोड्यूस करता है कार का. तो आज का सेकंड टॉपिक यही होने वाला है कि व्हाई डू बाइक इंजन मेक्स टिक-टिक नॉइज व्हेन यू टर्न ऑफ योर बाइक्स इंजन ऑफ. तो सेकंड जो इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आने आज की वीडियो में उठाया वो यही है कि जब हम अपनी कार के इंजन को ऑफ करते हैं तो वो टिक-टिक नॉइज आती कहाँ से. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि काफी टिक-टिक नॉइज बाइक के साइलेंसर से आती है जब हम लोग अपनी बाइक को ऑफ करते हैं. तो वो एक्चुअली आती कहाँ से, इसी को आज मैं रिवील करूंगा. इसी टॉपिक पे मैं काफी दिन से वीडियो बनाना सोच रहा था बट फाइनली आज मेरे को टाइम मिल गया है. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी कार में नोटिस किया है कि जब भी मैं कार के इग्निशन को टर्न ऑन करता हूँ तो एक बजिंग नॉइस आती है. तो वो बजिंग नॉइस आती कहाँ से, यही वीडियो में मैं बताऊंगा. तो आप मेरे साथ बने रहिए. कीज और मैं इसे लगाने जा रहा हूँ कार के की माउंट पे और उसको सेकंड स्टेप तक रोटेट करूंगा. तो आपने शायद सुनी हो, एक बहुत ही बजिंग सी नॉइज हमें सुनने को मिली थी. ये बजिंग सी नॉइज किस चीज की है मैं बताने जाता हूँ. तो फ्रेंड्स, ये नॉइज है मेरे कार के फ्यूल टैंक में लगे हुए फ्यूल पंप की. जैसे ही मैं इग्निशन को टर्न ऑन करता हूँ तो ये 12 वोल्ट का फ्यूल पंप एक्टिवेट हो जाता है और ये प्रोग्राम्ड इसी तरीके से कि ये केवल 3 सेकंड्स के लिए एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा. तो जैसे ये डीएक्टिवेट होता है तब तक के लिए ये कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल मेरी कार के फ्यूल टैंक से सप्लाई कर देता है कार इंजन की तरफ. तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस टिक-टिक नॉइज की जो हमारी बाइक के साइलेंसर से प्रोड्यूस होती है. अगर हम कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हमने ये बात नोटिस करी है कि जब हम कार को थोड़ी देर के लिए या बाइक को थोड़ी देर के लिए खड़ी कर देते हैं तो उसके साइलेंसर से एक टिक-टिक की नॉइज आनी स्टार्ट हो जाती है. क्या होती है वो टिक-टिक की नॉइज, इसी बारे में आज बात करेंगे. तो गाइज, ये पल्सर 150 मैंने चलाई है 10 मिनट के लिए कंटिन्यूअस ताकि इसका साइलेंसर प्रोड्यूस करने लग जाए वो टिक-टिक नॉइज जो मेरे को रिवील करनी है. तो अभी मैंने 10 मिनट के लिए कंटिन्यूस चलाने के बाद में इसका इंजन किया है टर्न ऑफ. तो आइए देखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से इसका साइलेंसर करता है ये टिक-टिक नॉइज. तो बेसिकली फ्रेंड्स, बाइक राइड करते समय हमारी बाइक का जो साइलेंसर है वो प्रोड्यूस करता है स्मोक जिसका मेजर कंपोनेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो अब जब हमारी बाइक प्रोड्यूस करती है स्मोक तो वो रिएक्ट करती है बाकी के एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में और कुछ हाइड्रोकार्बन्स के साथ में. हाइड्रोकार्बन्स मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो किसी भी व्हीकल का कैटेलाइटिक कन्वर्टर होता है वो कैटेलाइटिक मटेरियल एक्चुअली हम हाइड्रोकार्बन्स ही यूज करते हैं, यानी कि HC का यूज करते हैं ताकि हम पॉल्यूशन लेवल को कुछ घटा सके. अब इससे होता ही है कि जब हम CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन यानी एटमॉस्फेरिक गैसेस और HC यानी के कैटेलाइटिक मटेरियल को ये तीनों जब रिएक्ट करती हैं तो ये बाय प्रोडक्ट देती हैं CO2 यानी के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम फॉर्म ऑफ वेपर्स और हीट. अब ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है इस पूरे रिएक्शन में ये साइलेंसर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है क्योंकि एग्जॉस्ट से ही सारी गैसेस निकल रही है. अब जब साइलेंसर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होने के बाद में बात ये होती है कि साइलेंसर हमारा बना हुआ है मेटल का और मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी वो हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो एक्सपेंड करेगा क्योंकि हर एक मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो थर्मली एक्सपेंड करता है जब भी वो किसी भी हीट सप्लाई के कॉन्टेक्ट में आता है.
जब आप अपनी बाइक को कुछ दूर चलाने के बाद में या किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बाद में अपनी बाइक के इंजन को टर्न ऑफ करते हैं, तो वो उसका साइलेंसर और उसका इंजन दोनों ही वो कूल डाउन होने लगते हैं। अब मेटल की ये भी प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी भी मेटल को कूल डाउन करते हैं तो वो थर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इससे होता ये कि मेटल जितना भी एक्सपेंड हुआ था उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है और अपनी पोजिशन पे वापस आने लगता है। और इसी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये टिक टिक नॉइज हमारी बाइक का जो साइलेंसर है वो प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि मैंने काफी ढंग से ये अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करी है आप लोगों को। आई जस्ट होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस वजह से हमारे जो बाइक का साइलेंसर है वो एक टिक टिक नॉइज प्रोड्यूस करता है। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और आप अगर सच में ये वीडियो थोड़ी आपके लिए नॉलेजेबल थी तो प्लीज आप इसको थम्स अप देना ना भूलें, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मैं करता हूँ अलविदा आज इस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार।